भी जा रहा है, लेकिन आज ये क्षेत्र अत्यंत प्रसन्न है, आनंदित है, उत्साहित है। बीना और आसपास वालों, केवल बीना नहीं, सागर नहीं, विदिशा हो, मुंगा आप अशोक नगर हो, गुना हो, सागर हो, ये बुंदेलखंड की धरती जिसको कांग्रेस ने हमेशा पिछड़ा रखा था, पिछड़ा, पिछड़ेपन का अभिशाप झेलने के लिए मजबूर थी। लेकिन आज ये जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इसमें सीधे 50,000 करोड़ का निवेश आ रहा है, सीधे 50,000 करोड़ का। इस पूरे इलाके की तस्वीर बदल जाएगी और यहां की जनता की तकदीर बदल जाएगी। आज मित्रों कई उद्योगपति आए यहां एंसिलरी यूनिट, मतलब छोटी छोटी इकाइयां लगाने के लिए, और जब ये पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनेगा तब 40,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, और बनने के बाद जो अन्य यूनिट आएगी भविष्य में 2,15,000 नौजवानों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा, रोजगार।